जाने की मर्जी से देखो अभी मौसम जब बर्फ पड़ेगी तो फिर जाएंगे। मेरी माँ ने बर्फ देखी थी, अपना प्यारा सा मस्त सा गांव अपना सतराइया बड़ी यहाँ पे इतने आयो बाहर आज दीपू चलें घूमने चले फिर हाँ छोटी सी बेटी गई ये देखो ये हो गया कि आज हमारे एरिया में लगे हैं विंटर लाइट ये प्राइवेट हमारे जम्मू वालों के लिए। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को गाइस राम राम गाइस आई होप आप सब अच्छे हो गाइस। मैं भी काफी अच्छा हूँ गाइस। काफी दिन से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया एक्चुअली थोड़ा सा फीवर वो था उसके बाद ठंड भी थी उसमें कहीं गया भी नहीं देन तब भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया और आज मैं बना रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैं मम्मा जी हाय ताऊ जी ताई जी बाबी जी भैया सब जा रहे हैं हम जा रहे हैं अपने गांव और उसके बाद हमने अपने गांव में देवतों को जाना है वहाँ पर जाना है देन उसके बाद हमारे वहाँ के ना राशन कार्ड बन रहे हैं एक्चुअली जितना ड्रेस प्रूफ है वहाँ गाँव का ही है तो वहाँ पर जाना है इस कारण से देन उसके बाद देखेंगे अगर टाइम लगा तो नानी घर भी जाएंगे। तो ये रही है गाइस अपनी दन्नो देखियो कैसे शाइन मार रही है पूरी दन्नो अपनी और बाहर का चेक करो वेदर गाइस दिसंबर का मंथ चल रहा है डेट चल रही है 22/22 बट अभी तक वो वाली ठंड नहीं आई है जो ठंड आने आती है ना दिसंबर में वो फॉग जो धुंधे पड़ी होती हैं वो अभी कुछ नहीं दिख रहा ठंड है नॉर्मल जस्ट ज़्यादा नहीं है। लेके प्रभु जी का नाम गाड़ी करो गाइस स्टार्ट चलो जी अब इसको रखते हैं कोल्ड स्टार्ट देन नहीं करते हैं मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ गाइस गाइस है ना एक्चुअली ना अभी हैबिट नहीं है ना उस कारण से ज़्यादा कुछ आज ना हो रहा है गाइस गाइस बट सॉरी अगर ज़्यादा गाइस गाइस बोल रहा हूँ उस कारण से। बाकी तो वेदर काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ से देख रहे हो वो वाला वेदर नहीं आया जो पहले आता था कि धुंधे वगैरह वो है ही नहीं अभी है ना माँ वो ठंडे नहीं पड़ रही अभी ठंड कहाँ पड़े अभी पड़ेगी थोड़े दिन अब ठंड पड़ेगी नहीं लग रहा मुझे नहीं नहीं आएगी जनवरी महीने तो बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा होगी इतना मुझे पता चल गया है तो ठंड मुश्किल ही है ठंड होगा इस ऐसा सोचता था कि बर्फ में जाएंगे स्नोफॉल देखेंगे बट अभी लगता नहीं है स्नोफॉल होगी आप जाने की मर्जी से देखो अभी जब बर्फ पड़ेगी तो फिर जाएंगे। हाँ गाइस मेरी माँ ने बर्फ देखी थी मेरी माँ की बर्फ दस नहीं अभी सिलेंडर जाएंगे थोड़े दिन बाद जिंदगी नगर है लागे मम्मी मेरी खड़ोंदी है फिलहाल तो अपनी गाड़ी करवा रहे हैं लप करवा रहे हैं गाइस चेक करो देखते हैं कितने का फ्यूल होता है अभी तो 3 लाख करीब आ चुका हुआ इसने को तो फूल देख लेते हैं अपनी गाड़ी भी पूरी लप हो चुकी है अपनी गाड़ी हो चुकी है लपलप काफ़ी टाइम के बाद हुई है लपलप उसको सोच रहा है करवाऊंगा बट आज फाइनली करवा ही लिया अब टेंशन नहीं है कोई मेरे को 1 वीक तक अगर गाड़ी जहाज चलाई तो 1 वीक अदरवाइज तो 10-12 दिन गाड़ी लेगी। न्यू वाला रास्ता बनाऊंगा इस वो वाला कर रहे हैं यूज काफ़ी टाइम के बाद जब ये रास्ता कम्प्लीट हो जाएगा ना एकदम मक्खन बनेगा मक्खन गाइस देख रहे हो और गाड़ियाँ पे ना मैक्सिमम 180 बोल रहा हूँ 120 की स्पीड मैं नॉर्मल स्पीड इतनी स्पीड तो चलेगी चलेगी गाड़ी बाकी अपनी गाड़ी तो जा रही है और पीछे आ रहे हैं वो दूसरी गाड़ी अपनी ताऊ जी वाली देख रहे हो क्या प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ से मस्त वाला देखो रास्ते को ज़्यादा स्पीड में आ रहा होगा ना देख रहे हो गिरी गया ट्रक रात को जब आओ यहाँ से आराम से आओ अभी हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ये वाला राइट वाला गया एयरपोर्ट जम्मू रुकियो तो लेफ्ट वाला गया अपना आरसपुरा सतराइया देख लो गाइस यहाँ से वहाँ तक हमें ना कवर करते हैं गाइस खींच के ना हार्डली 5 मिनट लगे हैं अभी ज़्यादा स्पीड में नहीं आया नॉर्मल 5 मिनट में इतना कवर कर लिया रास्ता तो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। मैंने सोचा था कि साइड ना धूप वगैरह नहीं होगी फॉग वगैरह हो गई बट यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा धूप है और साथ में देख रहा हूँ जेके का एटीएम कोई एटीएम वगैरह मिल जाए तो देन चलते हैं एटीएम में थोड़ी सी कैश वगैरह निकालते हैं पॉकेट खाली हो चुकी है मेरा वॉलेट में 1 रुपया भी नहीं है एटीएम से निकालेंगे तो थोड़ा फिर बढ़ जाएगा। हम तो पहुँच गए अपने गाँव तो बाकी तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है जेके बैंक में ना फोन भी चल रहा है गूगल पे चल रहा है काफ़ी दिन से आए कुछ 10 दिन होने वाले हैं तब से प्रॉब्लम ही है मैं चेक कर रहा हूँ बैलेंस अपना वो हो ही नहीं रहा था देन कि यहाँ पे एटीएम भी नहीं चल रहा जेके बैंक के अदर एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं अपना प्यारा सा मस्त सा गांव अपना सतराइया बड़ी यहाँ पे इतना ट्रैफिक काहे को है। चलो जी अभी हम पहुँच गए अपने देवतों पे अंदर चले गए जय हो जय करनी पहले
ये अंदर गया, आयो बाहर आज दीपू, छुप गया, आ जाओ अंदर, बस इतना ही काफी है। ताई जी और मामा जी आ रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ, ये कहाँ से लगाया तिलक आपने? दादू ने लगाया। भैया भाभी आ रहे हैं, यहाँ पे चलते हैं प्रसाद। माथा टेक लिया आपने? मामा जी परिक्रमे ले रहे हैं। क्या एक दिन हम पहले जाए थे यहाँ पे माथा टेकने, और आज फिर आए थे, आज तो नया पे चढ़ना था, वो जड़े हुए थे उसका यहाँ पे भी हमारी शादी वगैरह होती है तब यहाँ पे फेर लेते हैं, और हम जब भी माथा वाले टेकने यहाँ आते हैं नया प्रणाम चाटने के लिए। चाचू आ जाओ, चाचू गिर जाओगे आप, रहने दो, आ जाओ आप। चलो अब निकल चुके हैं। टीबू कहाँ जा रहे अभी हम, कहाँ जा रहे अभी हम? जिधर मर्जी ले, घर में जा रहे? नहीं अभी हम कहीं और जा रहे हैं, हम जा रहे पत्नीटॉप, अभी हमने न्यू टेंपल में जाना है, तो सभी ओल्ड टेंपल है। कहाँ जाना है, चलना घूमने? हाँ। चले फिर। हाँ। हाँ। चलो अभी हम पहुंच गए अपने गांव, पहुंच गए एक गांव वाला बताओ, गाड़ी अपनी कर दी साइड पे, कर दिया पार्क हमने, अभी हम पहुंच गए अपने गांव वाले घर। ये है बलवंत सिंह कैप्टन ताऊ का घर है, मतलब हमारा। तुलसी माता, जय माता दी। जय नी, यहाँ देखो छोटी सी बेटी आई, देखो ये देखो, मेरी बियर्ड, ओ ओ दीपू मैं ले जाऊँ घर पे, तू ले जाऊँ, मैं जाने को ले जाऊँ, ले जाता हूँ मैं, हाँ ले जाऊंगा मैं इसको। ये किसका है टैबलेट? आपका, आप घर से लेके आए? चलो अब निकल चुके हम घर के लिए। यहाँ पे गई थी गाड़ी हमने पार्क साइड पे, अब निकलते हैं यहाँ से नानी घर के लिए। अभी जाएंगे मैं, ताई जी, मम्मा जी, हम जाएंगे नानी जी घर पे, और देन बाकी लोग ताऊ जी भैया ये सब जाएंगे अपने घर पे। तो निकल चुके हैं यहाँ से, बाकी सारे बैठ गए गाड़ी में, बातें शाते हम यहाँ से आ रहे हैं आराम आराम से, नानी घर निकल रहे हैं। ये चेक करो, काफी कंजेस्टेड रास्ता, गाड़ी का साइड पार्क करे काफी ज्यादा, हाँ यहाँ लगाते साइड पे करती है पार्क अपनी गाड़ी, काफ़ी यार गाड़ी लगी हुई, तभी यहाँ पे मैं दूसरी गाड़ी लेके नहीं आता, वरना यहाँ से निकालनी कैसे यहाँ से, वो देखो काफ़ी कंजेस्टेड रास्ता है यहाँ पर। इसी नानी जी मेरे, चलो फिर आप भी हमारे साथ चलते हैं घर पे, मैं चलो घर चलते, कदू आना तो तुझे जाना नहीं है घर, चलो घर ने भाई नानी को तो मैं बोल रहा हूँ ये चलो करने जा ही नहीं रहे, कितना प्यारा पिंड है देख रहे हो, और ये नीचे बैठे हूँ आराम से बातें जाते हो रही हैं। बाकी तो गाइस आपके बाइक की ये बताओ कटिंग कैसी है, काफ़ी मस्त है ना, काफ़ी दिन के बाद मैंने कराई है इस वाली कटिंग, इसमें लंबे बाल रखता था इसकी जना, इसी जितने रखे हुए हैं मेरे, अभी देखो अब ठीक है मेरे बाल, सही नहीं बोल तू, वैसे करा कटिंग एकदम चेका चेक कटिंग है,
चल फिर चल चलते हैं। ये नहीं आता जवान हुई अजकल ताई ना अजकल टाइमिंग काफी ज्यादा हो चुका गाइस। कब आए फिर कब जा रहे हैं। गर्मी लग गई है इनको गर्मी लग रही है। लो हवा ले लो चलो फिर एसी नहीं लाता। अब गाइस इनको गर्मी लग रही है। इतनी ठंडा है फिर भी गर्मी लग रही है। चलो पहुंच गए घर पे। और देखो गाइस घर पे किसने भी लाइट नहीं जगाई है। अगर हम ना हो ना कोई लाइट ऑन करता ही नहीं है। इवन की खंबे वाली लाइट ऑफ की हुई है। वाह अभी कर दिया लाइट गाइस ऑन तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देख रहे हो पहले लाइट ऑफ थी अब मम्मा लाइट ऑन करी है तो घर पे भी दिख रहा है कुछ। अब बाकी घर पे लाइट भी करते हैं ऑन। भाई चेक कर रहे हो आजकल ना कोई भी लाइट लगा के राजी नहीं है। एक्चुअली पता क्या चक्कर हो गया। चक्कर ये हो गया है कि आज हमारे एरिया में लग गया है मीटर लाइट हो चुकी है प्राइवेट हमारे जम्मू वालों के लिए गुड न्यूज। उस कारण से कभी कोई भी ना जितने भी घरों में मैक्सिमम लोगों ने लाइट ऑफ की हुई है कि बिल नहीं ज्यादा आता है उस कारण से। ओ यार जितने इतने पैसे खर्चने हैं वहाँ थोड़ा और ही सही। बाकी तो बैक वाली लाइट भी ऑफ है उसको भी ऑन कर दें। काफी ज्यादा अंधेरा बड़ा हुआ है देख रहे हो काफी ज्यादा अंधेरा है। अभी लाइट करते हैं ऑन। गाइस देख रहे हो अब हो गई चमचम एकदम। जब लाइट हो ना ऐसा लगता है ऐसा आता है व्यू। लाइट ना हो फिर प्रॉब्लम होती है क्या करना है। बाकी अभी पूरी गली में रोशनी हो गई है लाइट से इतनी रोशनी पड़ रही है। और ये वाली लाइट ना काफ़ी ज़्यादा पेड़ पे पड़ रही है जैसे आप देख रहे हो। उस कारण से पेड़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। इसको थोड़ा सा अभी ना कल क्या करूँगा अभी तो कर नहीं सकता कल इसको ना थोड़ी यहाँ पर अंदर साइड करूँगा उस कारण से। बाकी तो पेड़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो आज मेरे को जिम भी जाना है देख रहा हूँ अगर मौका मिलता है चलते हैं अदरवाइज नहीं पता नहीं। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है सुबह मॉर्निंग जल्दी उठा था उस कारण से नींद भी आ रही है बट सोना नहीं है। गाइस अभी आपका भाई आजकल ना पबजी भी खेलता है पबजी प्लेयर हूँ आजकल मैं। बंदा मेरे से मरता है कदा ही है बाकी फिलहाल कोई बात नहीं। न्यू क्रेज़ है पबजी का भी। चलो क्या करना अभी हैबिट पड़ चुकी है पबजी की भी। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहते हो कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ डेली व्लॉग लाऊँगा आपके लिए तो चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। हम मिलते हैं पहले से ब्लॉग में फिलहाल के लिए बाय बाय।